हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फॉर मेथाइल नाइट्रेट एंड इथाइल नाइट्रेट कैन बी गिवन इन द टर्म ऑफ रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द टू रिएक्शन आर 1.5 152.30 किलो जूल पर मोल एंड 157.7 किलो जूल पर मोल, एज वेल एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर आर 10^13 एंड 10^14। फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी दिया हुआ है। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ मेथाइल एंड एथाइल नाइट्रेट कैलकुलेट द टेम्परेचर। वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर एट विच रेट कॉन्स्टेंट विल बी सेम ऑफ द टू रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, अब हम लोग को निकालना है टेम्परेचर। तो मैं अगर फॉर्मूला बताऊं आर्गेनियस थ्योरी से जो दिया गया है K = AE^-activation energy/RT, यही फॉर्मूला। और मेथाइल नाइट्रेट के लिए क्या दिया हुआ है, K1 का वैल्यू जो है मेथाइल नाइट्रेट जिसको लिया गया है, तो वो मेथाइल नाइट्रेट के लिए दिया हुआ है, और मेथाइल नाइट्रेट जिसको हम लोग K1 बोल रहे हैं, K1 का वैल्यू दिया हुआ है 10^13 E-152.30। और अगर यहाँ पे हम लोग किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और अगर हम लोग यहाँ पर मोल और आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 8.314, और टेम्परेचर का भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे टी हो जाएगा। और फॉर इथाइल नाइट्रेट का अगर बात करें, यही वैल्यू को हम लोग ब्रेक करके लिख रहे हैं, या फिर ऐसा बोलो कि उसी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, या सभी का वैल्यू के साथ लिख रहे हो, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है (8^-1570)/8.314 और टेम्परेचर के लिए टी। तो अगर ऐसा हो जाए K1 = K2 हो जाए, अगर ये अगर काम करना शुरू कर दे तो यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 10^13 E-152.30/8.314 T इज इक्वल्स टू, ये इक्वल हो जाएगा 10^14 E-15770/8.314 T, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और अगर जब इक्वल होता है तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पहले आर्गेनियस थ्योरी में पढ़ा है, log K = log A-EA/2.303 RT। अगर इसी फॉर्मूला को आगे आप एक्सटेंड करोगे तो आपको जो वैल्यू यहाँ पर से ये जो तब इक्वल हो जाएगा, जब log K1 एंड K2 इक्वल होता है तो log K2/K1, एक फॉर्मूला ये भी होता है log K2/K1 = EA/2.303 R(1/T1 - 1/T2), ये फॉर्मूला होता है। अगर इन दोनों फॉर्मूला को रिलेट करके चलते हैं तो हम लोग का ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा 3.303 log 10 = 1577
2300 बाय 8.314 into T। और यहां से हम लोग को टेम्परेचर का वैल्यू अगर निकालना है तो T का वैल्यू हो जाएगा 0045 by 8.314 और log 10 का वैल्यू, यहां पर log 10 का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा 2.303। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो टेम्परेचर आ जाएगा 282 केल्विन। तो जो हमारा राइट आंसर है वो एक्चुअली 282 केल्विन होगा, मींस ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।